हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग ठीक हो। और बात आ रही है रिसेशन की। रिसेशन मतलब कि लोग, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज अपना खर्चा कम करेगी। रिसेशन का सिंपली अगर हम देखें तो मतलब है कि लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। पर अगर इसका थोड़ा सा बड़ा मीनिंग देखें वो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन इंग्लिश में। तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग अपने खर्चे कम करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है जो कंपनीज़ हैं वो अपने खर्चे कैसे कम करेंगी। उनका सबसे बड़ा खर्चा होता है लेबर कॉस्ट, जो वो एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं। तो वो लेबर कॉस्ट जो है उसको कम करेंगे, विच मीन्स कि वो लोगों को काम से निकालेंगे। सिंपल इसका ये मतलब होता है। तो लोगों की जॉब्स जाएंगी, लोग घर पे बैठेंगे, लोग अपना खर्चा कम करेंगे। अगर लोग अपना खर्चा कम करेंगे तो वो बाहर कम जाएंगे, वो बाहर खाने पीने शॉपिंग करने कम जाएंगे। अगर वो बाहर खाने पीने और शॉपिंग करने मतलब खर्चा करने बाहर कम जाएंगे, तो जो बिजनेसेस हैं जैसे रेस्टोरेंट है, मॉल्स हैं, दुकानें हैं, इनके पास भी पैसा नहीं आएगा, इनके पास प्रॉफिट नहीं होगा, विच मीन्स की पूरी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाएगी। बैंक ऑफ कनाडा ने जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया है 2.5% से। तो आप लगाएं कि जॉब्स कौन कौन सी जाएंगी या कौन कौन सी रहेंगी। सिक्योरिटी की जॉब हो सकता है कि ना जाए लोगों की, क्योंकि अगर हम एक लॉजिक लगाएं कि अगर एक बिल्डिंग है वो बंद हो रही है तो फिर भी वहाँ पे कोई तो चाहिए उसकी देख रेख करने के लिए, ठीक है। जो स्टोर्स हैं वो अपनी लेबर कॉस्ट कट करेंगे, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा सामान नहीं खरीदेंगे, पर ग्रॉसरी है जो वो तो पक्का लेंगे ही लेंगे लोग। कन्वीनियंस स्टोर जो हैं वो बंद नहीं होंगे, उनकी जॉब्स नहीं जाएगी, क्योंकि लोग जब स्ट्रेस में होंगे ना तो वो सिगरेट लेने तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। दूध जो है वो कन्वीनियंस स्टोर पे भी मिलता है, वो ग्रोसरी स्टोर पे भी मिलता है, तो वो उनकी जॉब्स ज़्यादा ना जाएं, बट स्टोर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को कट कर दें। तो उसके बाद बात आती है कि जो लोगों ने कनाडा आना है वो सोच रहे हैं, बेसिकली हम कनाडा आते हैं कमाई करने के लिए, जॉब्स करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख के आएं कि आपने कनाडा आना है नहीं आना है, कैसे आना है, कब आना है। तो थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च करके और नॉलेज इकट्ठी करके और अपना माइंडसेट बना के आएं कि रिसेशन आ रहा है और काम इतना ज़्यादा नहीं होगा। बात आती है रिसेशन कितनी देर रहेगा। अब ये किसी को नहीं पता था कितनी देर रहेगा कितनी देर नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट को HST GST टैक्स नहीं आ रहा, गवर्नमेंट को जो मनी है वो नहीं बन रही, क्योंकि लोग खर्चा नहीं करेंगे, बाहर कहीं नहीं जाएंगे, तो गवर्नमेंट को कोई तो नई स्कीम्स लगानी पड़ेंगी। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑलरेडी सोच के बैठी ही है वो कैसे स्कीम्स लगाएंगी, क्या करेगी कि लोग खर्चा करें और बाहर निकले अपने घरों से। बेसिकली आपको ये देखना है कि थोड़ा सा अब फॉरवर्ड चलना है, तो देख के चलना है कि रिसेशन आने पे क्या करना है क्या नहीं। तो उसके लिए अभी से ही आपको प्लानिंग करके ही चलना पड़ेगा। तो आप देखो बेसिकली क्या क्या काम होगा क्या क्या नहीं होगा, उसको सोचने का ये तरीका है कि आप देखो कि किस किस जगह पे लोगों के पैसे लगते हैं और किस किस जगह से वो बचा सकते हैं। तो वही होगा रिसेशन में।